यूपी के बुलंदशहर में एक स्थान ऐसा भी जहां नहीं फहराया जाता है तिरंगा। यह जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है बुलंदशहर रेलवे स्टेशन, जो बरसों से झंडा फहराने के लिए बॉल तो लगा है लेकिन झंडा नहीं है। जब यहां 15 अगस्त के दिन भी झंडा नहीं फहराया गया तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन सौंपा और झंडा लगाने की मांग की, लेकिन स्टेशन मास्टर भी इस मामले में कोई सही जवाब नहीं दे पाए। करीब 2 साल पहले पोल लगाया गया था इनके द्वारा, इस पर झंडे नेशनल फ्लैग का फहराने का प्रावधान था। एक बार लगाने के बाद वो खत्म उड़ गया आंधी में, उसके बाद आज तक उन्होंने नहीं लगाया। मौके कई बार शिकायत की जा चुकी है हमारे द्वारा, यहीं पड़ोस में रहते हैं हम भी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज जब देख के 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये आज भी उन्होंने लगाया, इसलिए हमें यहाँ इकट्ठा होना। आज किससे मिले हैं? अभी तो इनको जो जैसे बताया भैया ने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया है, नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ FIR की जाएगी, प्रोविजन कानून कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। क्या नाम है आपको? राजीव चौहान एडवोकेट। क्या किस पद पर आप यहाँ पर? स्टेशन मास्टर। अच्छा, यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या पूरा मामला है सर? ज्ञापन देने के लिए है, झंडा नहीं है काफी पुराने समय से। अच्छा, क्या कारण रहा है जो झंडा यहाँ पर नहीं लगा पाया है और यहाँ पर पूरी सुविधा दी गई है? आपने लिखित में शिकायत अधिकारियों को करी है या नहीं करी है? करी है, IRW भाग को देते हैं, उन्हें करी है। कितना समय हो गया झंडा ना लगे यहाँ पर सर? हो गया करीब एक साल पहले फट गया था, वो से उतार के ले गई जैसे नहीं। सर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं सरकार से? क्या कार्रवाई जाएगा? फिर दोबारा से फिर रिमाइंडर देंगे, कल भी देंगे। जो जनता आई है, आप इनको क्या आश्वासन देता चाहते हैं? आश्वासन देना चाहता हूँ मैं रोज। कब तक झंडा लग जाएगा सर, ये बताइए।